सभी को नमस्ते। तो हम लोग लेक्चर 17 को डिस्कस कर रहे थे, इसमें कल हम लोगों ने प्रकृति की चार अवस्थाओं को एक बार पुनः देखा था और हम इस बात को देख रहे हैं कि किस तरह से सहस्तित्व नित्य प्रकटनशील है। सहस्तित्व के प्रकटन के रूप में ये चार अवस्थाएं हैं जिनमें निश्चित प्रकार से क्रियाएं हो रही हैं, एक निश्चित स्वभाव बना हुआ है, निश्चित धारणा बनी हुई है, निश्चित प्रकार से अनुसंगीता हो रही है। इस बात को हम लोग कल ऑब्जर्व करते रहे और हम लोग असाइनमेंट ये भी लिए थे कि इनमें जितने भी शब्दों का प्रयोग हुआ है उसके अर्थ में जाएं और उसको देखने समझने का प्रयास करें। तो इस पूरे डायग्राम को देख लें, इसमें जितने भी शब्द हैं इस पर हम लोगों ने पहले भी दो बार विस्तार से बात की है, एक शब्द के अर्थ को लिया है। इस डायग्राम को पूरा देख लें, इस पूरे चार्ट को देख लें। जी, एर्सीवरेंस, ब्रेविटी, जनरोसिटी, इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो मानव का स्वभाव है वो धीरता, वीरता, उदारता के रूप में दिखाई देता है। धीरता को अंग्रेजी में परसिवरेंस कहा, वीरता को ब्रेविटी कहा और उदारता को जनरोसिटी कहा। तो धीरता का मतलब है कि जब मेरे अंदर ज्ञान होता है, समाधान होता है, तो मैं हर क्षण उसी समाधान के साथ विचार करता हूँ, हर बार उसी समाधान के साथ मैं निर्वाह करता हूँ परस्परता में दूसरे मनुष्य के साथ, शेष प्रकृति के साथ। तो मैं कभी भी उसमें उद्विग्न, बेचैन, परेशान, उलझन में, अंतर्विरोध में नहीं जाता, हर क्षण मुझे समाधान दिखाई देता है। तो ये धीरता है, मैं कभी अधीर नहीं होता, परेशान नहीं होता, बेचैन नहीं होता, है ना। तो अगर बाहर से भी कोई व्यक्ति मुझे दिखता है तो दिखता है कि बिल्कुल धीर व्यक्ति है, चाहे जैसी विकट परिस्थिति आ जाए ये व्यक्ति कभी आवेशित नहीं होता, क्रोधित नहीं होता, आराम में रहता है और समाधान दे पाता है। ये जो आप में, ये आपका स्वभाव है कि आप ऐसे ही रहें। जब हम निरंतर सुख की स्थिति में रहते हैं तो ऐसे ही रहेंगे। अगर हम बेचैन हो गए, गुस्सा कर गए, परेशान हो गए, झल्ला गए, आवेशित हो गए, इसका मतलब मेरे अंदर समाधान नहीं है और इसके भी मतलब है कि मैं निरंतर सुख की स्थिति में नहीं हूँ। तो ये भी अपने को देखना है कि जैसे जैसे हम गति करते जा रहे हैं क्या हमारे अंदर धीरता बढ़ रही है। पहले उन्हीं परिस्थितियों में जैसे हम बेचैन, परेशान, आवेशित हुआ करते थे, अभी फिर से वैसे ही होते हैं या उसमें कमी आई है, ये बात अपने आप में ऑब्जर्व करिए। धीरता है तो मेरे अंदर हर क्षण समाधान बना रहता है, उसी समाधान के साथ मैं भागीदारी करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, कार्य करता हूँ। वीरता का मतलब कि मेरे अंदर तो समाधान बना ही हुआ है और मैं दूसरे को समाधानित करने के लिए भी तत्पर रहता हूँ। तो मेरे चारों तरफ अगर लोग दुखी हैं, परेशान हैं, मैं उन्हें भी समाधानित करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं समाधानित होकर एक कोने में बैठा हुआ हूँ, ठीक, समाज की जो भी दशा हो उसको मैंने समाज के ऊपर ही छोड़ दिया है, नहीं, मैं समाज के हर व्यक्ति को समाधानित करने के लिए तत्पर रहता हूँ कि मेरा प्रस्ताव, मेरी समझ दूसरों तक पहुंच जाए, दूसरे भी समाधानित हो जाए, दूसरे भी अपने स्वाभाविक स्थिति में आ जाए, दुखी, परेशान, बेचैन, विरोध में न जिए, है ना, ये वीरता है। और उदारता का मतलब कि इस भाव के साथ मैं अपना तन, मन, धन लगाने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो जो तत्परता का भाव है वो वीरता है। तो स्वयं में समाधान होना वीरता है, जो हमारे आचरण में दिखाई देता है, बाहर से दिखाई देता है, ये व्यक्ति धीर है। दूसरे को समाधानित करने के लिए तत्परता है, ये वीरता है। और उसके लिए मैं अपना तन, मन, धन लगाने को तत्पर हूँ, सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा हूँ, है ना, अपना तन, मन, धन भी लगा रहा हूँ ताकि समाज का हर व्यक्ति सुखी हो पाए, समृद्ध हो पाए, समाज में कहीं विरोध ना रहे, ये उदारता है। ये क्लियर हो गया? बढ़िया। नमस्ते भैया। भैया अभी जो आपने बताया ऑन धीरता, वीरता और उदारता, ये क्वालिटीज तो मतलब जैसे सेजेस में होती हैं, जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ते हैं या और स्क्रिप्चर्स में, गीता में पढ़ते हैं, तो जिसमें जो क्वालिटीज उस तरह से आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब टोटली यही आपका भी स्वभाव है जो गुरु ग्रंथ साहिब में श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है, वही आपका भी स्वभाव है कि आप भी ऐसे ही होना चाहते हैं। जो गीता में लिखा हुआ है एक श्रेष्ठ व्यक्ति का आचरण ऐसा होता है, वही आपका भी स्वभाव है। स्वभाव मतलब स्वयं स्वीकृत भाव,
यानी हम ऐसे ही होना चाहते हैं। जी ये और बात है कि अभी ऐसे है नहीं। जी तो शास्त्रों में एक श्रेष्ठ व्यक्ति कैसा होगा उसका विवरण दिया हुआ है ना, और श्रेष्ठ व्यक्ति ने अपने आचरण से उसको प्रस्तुत भी किया कि देखिए ऐसा होता है। तो हमें इन शास्त्रों को पढ़कर भी अनुमान बनता है कि हाँ मेरा स्वभाव कैसा होगा। दूसरी तरफ से हम अपने आप में देखें, हम ऐसा ही होना चाहते हैं। हम क्यों चाहें कोई किसी परिस्थिति आ जाए, जितनी भी कट आए, मैं अपना टेम्पर लूज कर जाऊं, अपना पॉइज लूज कर जाऊं, है ना, जी क्यों चाहूंगा। मैं चाहूंगा मैं अपने आप में समाधानित रहूं। जी अरे समाधानित होना और इग्नोर करना दो अलग चीजें हैं। ऐसा नहीं कि बाहर कोई भी विकट परिस्थिति आई हुई है और मैं उसको इग्नोर करके बैठा हुआ हूँ, है ना, कि हमें ले क्या लेना देना, वो धीरता नहीं है। धीरता का जी मतलब कि मैं उसके साथ संबंध को देख पा रहा हूँ, उसमें अपनी भागीदारी को देख पा रहा हूँ और समाधानित भी हूँ। तो भैया इसको इकोनॉमिटी भी बोलेंगे जिसको और समता बना भी चाहे उसमें भी ऐसा ही होगा ना। मैं राग में जा रहा हूँ ना द्वेष में जा रहा हूँ, इस समत्व के साथ देख रहा हूँ। बट समता भाव के साथ जो आगे की बात है वो यह है कि मैं अपनी भागीदारी को भी देख रहा हूँ वीरता। तो भैया इसे जो मतलब यहाँ तक पहुँचने के लिए, जैसे पहले इंग्लिश सेशन में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें फिर जो बीच का स्टेप मतलब जो जाने के लिए जो मेरे मन में आ रहा था वो था कि एक्सेप्टेंस इंस्टेड ऑफ अजम्पशन एंड क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। हाँ जी, ग्रैटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस मतलब ये सब भी, मतलब अगर जैसे हम बीच का, जैसे जिस स्टेज पे लेट से मैं हूं अभी, तो फर्स्ट मैं अपने आप को देख रही हूँ कि पहले तो एक्सेप्टेंस के जो हो रहा है वो मेरे आसपास में, उसको मैं एक्सेप्ट करूं। इज दैट ओके भैया? हाँ, तो उसको एक्सेप्ट करूंगा कि अभी तो प्रकृति की यही स्थिति है, चाहे मानव हो चाहे शेष प्रकृति, तो जैसा है वैसा हम उसको देखेंगे, उसको स्वीकारेंगे, उसको अपनी भागीदारी को देखेंगे। और क्षमा का मतलब यही हुआ कि मुझे लगता है कि इंटेंशन वाइज सभी साउंड है, योग्यता कमी है। तो क्षमा भाव तो मेरे अंदर हर क्षण सहज रूप से बना ही रहता है, इसलिए मैं किसी के प्रति विरोध का भाव नहीं रखता। कोई अपराध भी कर रहा है तो हमें दिखता है कि भाई उसकी कंडीशनिंग गलत हो गई है, चाहना उसकी ठीक है, उसकी कंडीशनिंग कैसे वो इवैल्यूएट कर पाए, कैसे उससे बाहर निकल पाए, ये भाव मेरे अंदर बना रहता है। जी तो मैं तो अपने अंदर हर समय इस भाव से बना ही रहता हूँ, एक दूसरे जो भी कर रहे हैं अपनी योग्यता के आधार पर कर रहे हैं। जी तो ऐसा नहीं कि जब कोई मेरे साथ कुछ अनिष्ट करता है तब मैं विचार करके उसको क्षमा करता हूँ, नहीं, मेरे अंदर क्षमा भाव तो हर क्षण बना रहता है। तो मुझे दिखता ही है कि कोई दूसरे को दुखी नहीं करना चाहता, समाधानित नहीं होता है तो करता है। भैया थोड़ा सा मतलब मेरे दिमाग में कुछ बातें और आ रही हैं अभी इस वक्त। वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एनिमल ऑर्डर है, एनिमल ऑर्डर में एक आता है विल टू लिव एंड उसमें फिर आगे आता है क्रुएल्टी एंड नॉन क्रुएल्टी। तो क्रुएल्टी मींस जो हम ह्यूमन बीइंग्स देखते हैं कि जैसे एक एनिमल दूसरे को मार के, जैसे शेर एक हिरन को मार के या बच्चों को, कई बारी छोटे बच्चों को भी मार देते हैं एनिमल्स अपने खाने के लिए। तो इसमें अगर हम ह्यूमन बीइंग्स में देखें, अगर कुछ क्रुएल्टी एलिमेंट अगर हम देखें किसी हमारे में है या हमारे आसपास भी है, तो उससे जैसे एनिमल होते हैं वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब उनको भी है विल टू लिव। वो फिर चाहे हिरन और मतलब उसको देखते वो भी भागता है फिर वहां से बिकॉज ही वॉन्ट्स टू लिव। तो इसमें अगर हम ह्यूमन ऑर्डर में देखें तो अगर वो क्रुएल्टी भाव अगर नजर आता है तो उसमें भी एक तरह का वो आता है कि नहीं, अगर ये हमारे को इस रिलेशनशिप या इस ह्यूमन बीइंग से क्रुएल्टी एलिमेंट नजर आ रहा है तो हम भी वहां से दूर होना चाहते हैं। इज दैट राइट भैया? आई मीन हाँ, तो एनिमल के साथ ये है कि वो भय पूर्वक जीता है या क्रूरता पूर्वक जीता है,
क्रूर जो होते हैं वो भय पूर्वक जी रहे होते हैं, जो क्रूर होते हैं उनमें भय होता है बट तो साथ में क्रूरता भी कर रहे होते हैं, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव तो ये है कि अगर कोई क्रूरता कर रहा है तो हमें दिखता है कि ये व्यक्ति समझ के भाव में कर रहा है, ये क्रूर होना नहीं चाहता, तब वहां से महज हटेंगे नहीं बल्कि हम इस बात को देखेंगे कि कैसे क्रूरता रुके, कैसे इस व्यक्ति में ज्ञान समाधान हो। अच्छा तो देखिए, तो हर व्यक्ति में क्रूरता कभी ना कभी जग जाती है अगर उसमें समझ ना हो, परिस्थिति जी की बात होती है कि नहीं। तुमको तो दिखता है कि जब तक शिक्षा संस्कार से नहीं गुजरेगा, जब तक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लोर नहीं करेगा, कोई व्यक्ति कभी भी क्रूर हो सकता है, कभी दीन हो सकता है, कभी हीन हो सकता है, जिनको दिखा देता है वही व्यक्ति, जिस व्यक्ति के अंदर समाधान नहीं होता, तो अगर हम धीरता धीरता उदारता की दूसरी तरफ देखें तो जिस व्यक्ति के अंदर समाधान नहीं होता वो दीन होता है। दीन मतलब कि मैं निरंतर सुख को सुनिश्चित नहीं कर सकता, ये भाव अपने आप में बना रहता है, यही दीनता है जी कि मैं अपने आप में सुखी नहीं हो सकता। अभी देखिए ना, समाज में प्रचलित भाव बन गया है, मान्यता बन गई है कि कोई निरंतर सुखी नहीं हो सकता। तो अभी सभी जी दीन होके जी रहे हैं और दीनता को हमने मान भी लिया है कि यही मानव का जीवन है, कोई निरंतर सुखी नहीं हो सकता। चिंता का मतलब जब अपने आप में हम समाधान को नहीं देख पाते हैं बट सुख को सुनिश्चित करना है तो क्या करते हैं, चालाकी कर लेते हैं, इसको हीनता का। और जब चालाकी से भी काम नहीं चलता तो जाकर दूसरों को छीन झपट के ले आते हैं, मारपीट के ले आते हैं, इसको क्रूरता का। तो अभी आदमी का जो जीना है जिसको जीव चेतना कहेंगे, जीवों के समतुल्य जो जी रहा है, तो दीनता हीनता क्रूरता में जी रहा है। जबकि जीना क्या चाहते हैं हम, कैसा चाहते हैं, धीरता वीरता उदारता के साथ। भैया, इसमें तो फिर मतलब जो स्क्रिप्चर्स में भी लिखा है, मैं आई मीन जो मेरी समझ भी है या जो मैंने भी आजमाया है, वो ये है कि व्हेन द लाइफ इज अबाउट सफरिंग, लेट्स से बुद्धिज्म सेज दैट, और स्क्रिप्चर्स में हमने भी मान लिया कि वो अगर सफरिंग है या पेन है फॉर दैट मैटर, और हम अगर अपना फोकस डिवाइन पे रखें, कॉन्शियसनेस पे रखें, सो देन वी कैन अटेन हैप्पीनेस थ्रू दैट इन कॉन्टिन्यूटी। सो इसमें ये वाला एस्पेक्ट जो आता है, मतलब कि फिर दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट जेनरोसिटी एंड द एस्पेक्ट्स ऑफ परसिवियरेंस एंड ब्रेविटी ऑल्सो, बिकॉज देन वी आर कनेक्टेड विद दैट कॉन्शियसनेस। आई मीन वंस वी आर कनेक्टेड, और वंस वी इवन फोकस, लाइक लेट्स से आई एम नॉट कनेक्टेड राइट नाउ, बट इफ आई एटलीस्ट प्रैक्टिस माई which we are doing in this module also, कि हम उस चीज को हम ध्यान में रखें, contemplate करें, तो that helps. I mean, I'm just putting it more theoretically, because like it is, sorry, मैं so उसमें फिर मतलब ये है कि हम लोग सब अपने ही उससे चलते हैं, मतलब अपनी competence में चलते हैं। जैसे English session में दीदी ने भी बोला कि कईयों का स्लो है या कईयों को संस्कार ऐसे हैं तो चेंज करने में ज्यादा टाइम लगता है, कईयों के संस्कार अगर थोड़ा फैमिली या सराउंडिंग में ऐसे हैं तो वो जल्दी भी हो सकता है, या अपने अंदर में भी एक सीकिंग आती है कि नहीं मुझे अपने आप को चेंज करना है, मुझे मेरे को ये संस्कार अच्छा नहीं लग रहा है कि अगर मैं एंगर में हूँ तो मुझे आई एम नॉट हैप्पी कि मैं इस मतलब मैं गुस्से में रहता हूँ तो मुझे उसको बदलना है, तो वो एक प्रोसेस है, मतलब इट्स लाइक अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो यही मैं कहती कि अगर हमारा फोकस डिवाइन में हो, जैसे जो भी मतलब हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या हमारे घरों में भी ये कल्चर चलता है, जो भी इस चीज को हम फॉलो करते हैं, तो उससे थोड़ा सा वो भी पैरेलली अगर चले तो ये चीजों में बदलाव आ सकता है, मतलब यही चीजें उसी से ही बदलाव लाती है। इज दैट करेक्ट भैया? नॉट कम्प्लीटली। देखिए, अगर आपको एक तो पहले डिवाइन जब हम कह देते हैं ना, तो हमको लगता है कोई बहुत दूर की बात है ना। दूसरा, हमको अगर फोकस करना पड़े, इसका मतलब हमने समझा नहीं है। तो जब हम समझ पाते हैं, जैसे धीरता का मतलब यह है कि मेरे अंदर ज्ञान सुनिश्चित हो पा रहा है, हो गया है, समाधान सुनिश्चित हो गया, तब तो मैं धीर हूँ। अगर मुझे डिविनिटी को अलग से कुछ सोचना पड़ रहा है,
उसे फोकस करना पड़ा, इसका मतलब ही वो विचार विचार नहीं है। तो हम जो कुछ भी है अस्तित्व व्यवस्था संबंध उसको देख पाए अपने आप में, मेरे अंदर स्वभाव का चिंतन हो पाए, यानी संबंध का चिंतन हो पाए, व्यवस्था यानी है ना स्वत्व का मेरे अंदर बोध हो पाए और सहअस्तित्व का अनुभव हो पाए, तो मैं अपने आप में आराम में हर क्षण बना ही रहता हूँ, यही डिवाइन है। बट यदि हम किसी बार बार अगर हमको स्क्रिप्चर्स को किसी टेक्स्ट को शास्त्र को रेफर करना पड़े, ठीक है ना, अपने आप को संतुलित करने के लिए शांत रखने के लिए, इसका मतलब भी हमने समझा नहीं है। तो भैया अगर संबंध जी संबंध अगर हर क्षण दिखाई दे रहा है जी, तो मैं अलग से फिर क्यों फोकस करने जाऊंगा, दिख रहा है मुझे ये ऐसा ही है, अगर मुझे सहसी तो हर क्षण दिखाई दे रहा है तो मैं अलग से क्यों फोकस करने जाऊंगा। तो अभी एक टेम्पररीनेस के साथ तो ये सब काम हम कर सकते हैं, करते भी रहते हैं जी, बट इसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ये डिपेंडेंस है, ये बाहर की ओर कोई डिपेंडेंस है फिर से हमारा जी। लेकिन अगर हम इसको प्रोसेस के तौर पे देखें कि हाँ, मतलब अगर उसको भी पहुंचने के लिए अगर हमारे को इससे सुकून मिल रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम कोई हमारा फोकस अगर कोई डेटी पे है, लेट्स से कुछ भी आप मैं मतलब अपने उससे नहीं चल रही हूँ, जैसे मैं अगर किसी भी गुरु या डेटी को लेके अपना फोकस बना के रखूँ विद देयर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग एंड करेक्ट, नॉट लाइक ए उसमें मैं गुम हो जाऊं विदाउट माय डिसर्नमेंट, मतलब मैं डिसर्न भी नहीं कर पा रही हूं कि ये सही है कि नहीं है। लेट्स अज्यूम कि अगर मैंने करेक्ट मेरे हिसाब से अगर करेक्ट अंडरस्टैंडिंग में, जैसे मैं ले लेती हूं एग्जांपल, जैसे अगर हम रमणा महर्षि के बारे में करते हैं या जैसे हम गुरु नानक के रीडिंग्स पे चलते हैं, तो उनकी मैं वैसे दे रही हूँ एज एग्जांपल, मैं अपना नहीं दे रही हूँ, तो वो भी एक तरह से एक प्रोसेस हुआ ना भैया फिर जी। डिपेंडेंस है, डिपेंडेंस तो है उसमें भी, लेकिन अगर मैं उस रियलाइजेशन पे अभी नहीं पहुंच पा रही हूँ कि हुआ मतलब जो एंड रिजल्ट है कि मैं उसमें अपने आप में ही मैं धीर रहूं, तो वो भी तो एक प्रोसेस हुआ ना भैया। हाँ मतलब एक प्रोसेस हुआ, बट उसमें अभी एक डिपेंडेंस बना हुआ है, और ये भी हो सकता है कि हम वहीं रुक जाएं, हमें बार बार रेफर करना पड़ रहा है किसी टेक्स्ट को किसी डेटी को बार बार रेफर करना पड़ रहा है क्योंकि हम स्वयं में नहीं देख पा रहे, तो हमारा फोकस अभी बाहर है किसी अन्य व्यक्ति के आचरण को देखकर उनके जीने को सुनकर, है ना, हम अपने आप में कुछ प्रेरणा बना रहे हैं कोई निर्णय ले रहे हैं, बट उससे ज्यादा सहज कार्य है, सहज काम ये है कि हम अपने आप में सहज स्वीकृति को देखें, तो हम उनको ही श्रेष्ठ कहते हैं जो वैसा ही जिए जैसा हमारी सहज स्वीकृति है, उन्हें को श्रेष्ठ कहते हैं। तो हम ज्यादा अच्छा है, ज्यादा इसमें बेहतर भी दिए, हम अपने सहज स्वीकृति को देखें, और जब हम सहज स्वीकृति को देखने जाते हैं तब इन सब का सहयोग ले लेना ठीक है, इस सहयोग लिया हमने इस थोड़ी स्पष्टता बनी, बट अपने आप में अल्टीमेटली सह स्वीकृति को देखना है कि मेरी सह स्वीकृति क्या है, क्योंकि क्या हुआ है कि जो भी हमको सूचना मिलती है कि दूसरे व्यक्ति के बारे में, वो सूचना हमें कई प्रकार से मिल सकती है, एक व्यक्ति उस घटना को एक प्रकार से रखता है, दूसरा व्यक्ति उस घटना को दूसरे प्रकार से रखता है, कोई भी अगर हम अपने परंपरा में भी देखें तो जो शास्त्र है उसमें एक ही घटना को लेकर किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के आचरण को लेकर ही कई शास्त्र हैं, और उसमें भी कभी कोई घटना एक प्रकार से बताता है कोई दूसरे प्रकार से बताता है, कोई आचरण को एक तरह से रखता है कोई दूसरे तरह से रखता है, ठीक। तो अल्टीमेटली वो निर्भरता बनी रहती है, तो ज्यादा अच्छा है कि अपनी सह स्वीकृति को देखें, उसको देखते हैं तो फिर हम किसी व्यक्ति विशेष किसी गुरु विशेष किसी शास्त्र विशेष पर निर्भर भी नहीं रहते, बल्कि हमें जो दिखाई देता है वो यूनिवर्सल दिखाई देता है। तो इसमें सबसे बड़ा बैरियर तो अपनी थॉट्स और अजम्पशंस है ना भैया जी, है ना, हमारे ही अपने संस्कार, हमारे ही अपने विचार, अपनी मान्यताएं जी, जिसके कारण हम अपने आप में देख नहीं पाते। अभ्यास एक और दो हम लोग करते रहे उसमें हम यही काम कर रहे हैं कि अपने भाव को देखें, भाव में परिमार्जन करें। अब अगर हम अपने भाव को ना देख पाए और किन्हीं को जिनको हमने डेटी माना हुआ है, अपना कोई देवी देवता माना हुआ है, उनको देखकर अपने में हम कोई सही भाव लाने का प्रयास करें,
ठीक, आप पाएंगे किसी प्रकरण में बहुत सारे उसमें अपवाद भी रहते हैं कि उन्होंने भी तो ऐसा किया था, फिर हम फिर जस्टिफाई भी कर लेते हैं भाई उनको भी तो क्रोध आया था ऐसे ही मौके पे, उन्होंने कहा था कि है ना शस्त्र उठाओ, बट शस्त्र तो उन्होंने उठा लिया था, उन्होंने कहा था कि है ना मैं ऐसा नहीं करूंगा, बट उन्होंने भी तो ऐसा किया था, उन्होंने भी तो कहीं झूठ बोल दिया था। अब क्या होता है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर, किसी दूसरे है ना चरित्र पर निर्भर है, तो वो उन्होंने उस परिस्थिति में जो किया, क्यों किया, क्या किया, इतना हमको पूरा जानकारी है नहीं, जी बट हम होता यह है कि अपने अमानवीय आचरण को भी उसके आधार पर जस्टिफाई कर लेते हैं कि नहीं। तो इससे अल्टीमेटली हुआ यह कि हमारे जीने में कोई क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं हुआ, हम चिंतन तक नहीं पहुंच पाए, बोध तक नहीं पहुंच पाए, अनुभव तक नहीं पहुंच पाए जी कि नहीं। तो होता यह है कि हम कई बार शास्त्रों का सहारा लेकर जी रहे होते हैं और दूसरे व्यक्ति को हमारे जीने में कोई मानवीयतापूर्ण आचरण भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा, और हम अपने आप में लगता है कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल उन्हीं शास्त्रों की प्रेरणा से जी रहे हैं, बट हमारे अंदर संग्रह का भाव बना हुआ है, शोषण का भाव बना हुआ है, अन्याय कर रहे हैं है ना, उसको जस्टिफाई भी किए जा रहे हैं। जी अभी जो बहुत सारी सूचनाएं भी आती हैं कि जिसको समाज एक संत व्यक्ति के रूप में स्वीकार रहे थे, उन्होंने ऐसा अपराध किया, तो इंटेंशन उनका भी साउंड है बट कहीं भटक गए है ना, क्योंकि अपने आप में नहीं देखा, कहीं बाहर रखा स्रोत को, अपने आप में श्रेष्ठता की है ना जो सहज स्वीकृति उसको नहीं देखा, तो वो नहीं देखते तो भैया हम भी भटक सकते हैं जी। वही भटकना तो वही हो गया, मतलब अगर हम उस तरह से एक किसी के ऊपर डिपेंडेंट है, मतलब लिविंग बीइंग के ऊपर या समथिंग, बट कई स्क्रिप्चर्स हमारे काफी मतलब गहरे हैं जिनको अगर हम फिलॉसफी पे चलें, नॉट ऑन अ पर्सन के लाइक जैसे आप बता रहे हैं कि अब अगर एग्जांपल के तौर पे मैं ले रही हूँ कि अगर हम गुरु ग्रंथ साहब को देखें तो वो इट वाज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के जो गुरु आए थे, अब तो कोई लिविंग गुरु नहीं है उनमें, दे ओनली फॉलो द स्क्रिप्चर, मतलब जो 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 टीचिंग्स है उसको फॉलो करते हैं, उसमें तो ज्यादातर कनेक्शन विद द डिवाइन के बारे में लिखा है मेनली कि लाइक वी शुड कनेक्ट टू द डिवाइन। जी डिवाइन भी क्या है ये समझने की जरूरत, डिवाइन भी क्या है ये समझने की जरूरत है, व्हाट इज डिवाइन, अदरवाइज डिविनिटी को भी अगर हम ना समझें तो हम उसको कोई विशेषता मान लेते हैं, इसमें कई बार हम परंपरा में भटके हैं कि हम कोई विशेष गुणों को मान लेते हैं कि उन्होंने तो ऐसा किया और ऐसा हो गया है ना, तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई विशेष सिद्धियों में भी बात चली जाती है और हम लोग को विशेष व्यक्ति मान लेते हैं, और ये भी साथ में मान लेते हैं कि हम तो उनके जैसा हो नहीं सकते, तो फिर हमारा जीना वैसा ही बना रहता है और हम बार बार उनको रेफर भी करते रहते हैं। इससे ज्यादा अच्छा विधि है कि हम स्वतंत्र होकर जिए, हम अपने आप में अपनी सहज स्वीकृति को देखें, उसको जांचें, उसको जी कर देखें। तो अगर हम सहज स्वीकृति को केंद्र में रखते हैं, अपने स्वयं में देखने को केंद्र में रखते हैं, तो जो कुछ परंपरा में श्रेष्ठता के अर्थ में हुआ है उसका भी हम ठीक ठीक मूल्यांकन कर पाते हैं, अदरवाइज किसी का हमने अधिमूल्यन कर लिया, किसी का अवमूल्यन कर लिया, अब आपने किसी एक व्यक्ति का अधिमूल्यन कर लिया, किसी दूसरे व्यक्ति का अधिमूल्यन कर लिया, अब उससे झगड़ा भी हो गया जी है ना, हम कह रहे हैं कि यही एकमात्र श्रेष्ठ है, दूसरा ग्रह नहीं, यही एकमात्र श्रेष्ठ है, अब श्रेष्ठता को पता नहीं है ना, अब तलवारें खींच के युद्ध हो गए कि मेरा वाला श्रेष्ठ है कि तुम्हारा वाला श्रेष्ठ है, चल ही रहा है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है। जब बाहर से आक्रमणकारी नहीं आए थे तो भी हम युद्ध कर रहे थे, बाहर से आक्रमणकारी आ गए तो उनके जो भी उन्होंने श्रेष्ठ माना उनको लेकर युद्ध कर रहे थे जी, और वर्ल्ड ओवर चल रहा है ये, वो भी तो फिर अजम्पशन में ही आ गया ना भैया, फिर बिल्कुल बिल्कुल आ गया। तो अगर हमने अपनी सहस्तुति को ध्यान नहीं दिया, अपने स्वभाव को नहीं देखा, स्वयं की व्यवस्था को नहीं देखा, संस्कृति को नहीं देखा, तो अल्टीमेटली वो मान्यता ही है, परतंत्र है हम है ना, हम किसी हो सकता है स्पिरिचुअल टेक्स्ट को रेफर करते हैं, कोई व्यक्ति किसी कोई साइंस फिक्शन को रेफर कर रहा है ठीक, बट अल्टीमेटली स्रोत हमारा बाहर है जी, स्रोत स्वयं में नहीं बना, और सारे शास्त्र भी कह रहे हैं कि आप स्वयं में देखो। हाँ जी, कह तो वही नहीं कह रहे कि आप मेरे अनुसरण करो, मेरा अनुकरण करो, ऐसा नहीं कह रहे, वो तो कह रहे आप अपने आप में देखो, गीता भी यही कह रही है, बेसिकली फिलॉसफी। हाँ जी भैया, फिलॉसफी तो यही है जी,
बुद्ध विकार अपोदीपो भव, वो भी बेसिकली तो स्वयं में देखो, है ना, ना कि आप मेरे पीछे पीछे चलो। एग्जैक्टली बेसिकली तो वही है हर एक चीज, जैसे वो इनेट एक्सेप्टेंस तो के बारे में सारी वही फिलॉसफी बात करते हैं, सारी फिलॉसफी उसी पे ही है। हाँ, बट उसमें भी उसको आप जब स्वयं में देखेंगे तो हम फिलोसफी में जो कहा गया है उसमें अगर कुछ इससे अन्यथा है तो उसका मूल्यांकन कर पाते हैं, उसके जो सार है उसको निकाल पाते हैं कि सार तो इतना ही है। हो सकता है उस समय के समाज को व्यवस्थित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए कुछ और चीजें जोड़ दी गई शास्त्र में या जी कथा कहानी में, ठीक है, ये भी हो सकता है। जी ये भी हो सकता है कि श्रेष्ठता की पूर्णता ना हुई हो, कोई ऐसा भी शास्त्र हो सकता है, वह श्रेष्ठता की पूर्णता नहीं है, ऐसा भी शास्त्र हो सकता है। तो ये हम स्वयं में सभी चीजों को तभी तय कर पाते हैं, तभी मूल्यांकित कर पाते हैं जब स्वयं में देखते हैं। जी बाहर देखते हैं तो फिर हम परतंत्र हैं, हम दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो, किसी डेटी को देख रहे हो, किसी शास्त्र को देख रहे हो, है ना, कोई कहानी के आधार पर चल रहे हो, वो सब फिर है ना वही रह जाता है। जी भैया, जी, थैंक यू भैया। जैसे एक उदाहरण के रूप में कि बचपन में एक मैंने कहानी पढ़ी थी कि एक व्यक्ति महात्मा गए नदी में नहाने के लिए, देखा एक बिच्छू डूब रहा है, उन्होंने बिच्छू को हाथ उठा लिया और बिच्छू ने डंक मारा, जी फिर तो हाथ में कंपन हुआ, फिर बिच्छू गिर गया, फिर उन्होंने उठाया, ऐसा कई बार हुआ। तो एक साथ के व्यक्ति ने पूछा कि ये डंक मार रहा है बार बार, आपने को आप इसको हाथ से क्यों उठा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। अब जी ये कहानी मिसलीडिंग है, अगर मुझे जी बिच्छू समझ में ना आए कि बिच्छू में सेल्फ है कि नहीं है, ठीक, तो अगर हमें कहानी सुना भी दें तो बच्चे को उससे क्या प्रेरणा मिलती है? तो बिच्छू क्या है समझ में नहीं आया, बिच्छू के साथ मेरी भागीदारी क्या है समझ में नहीं आया, और कोई ऐसा करेगा भी नहीं कि बिच्छू को बार बार नदी से उठाएगा और जब कहीं से उठाएगा और डंक मारेगा, अब बिच्छू की जगह सांप हो जाए तो। अब बच्चों से अगर आप कहिए ये कहानी तो बच्चे तो 100 तरह के प्रश्न करेंगे, जी है ना, कि सर बिच्छू नहीं ये सांप है तो क्या करेंगे, क्या उसको उठाएंगे और डस के मर जाएंगे? जी हमने करेक्ट, अपना कर्तव्य पूरा किया, है ना, वो तो हम हमने अपना अभी भी कर्तव्य पूरा पूछेंगे किया। भैया। हाँ जी, जी हम तो अभी भी पूछेंगे, बच्चे भी पूछेंगे और हम भी पूछेंगे यही बिल्कुल बात। पूछेंगे, अगर इस सत्र में मैं कोई ऐसी बात कहूँ तो आप सभी पूछेंगे। तो क्या हुआ, ये कहानियां मिसलीडिंग भी हो सकती हैं, इसलिए जब भी हम कथा कहानियों पे जाते हैं, ठीक है ना, तो ये सारी संभावनाएं बनी रहती है। बेहतर के अपने आप में देखें बिच्छू क्या उसको समझे, वो प्राणावस्था की इकाई है कि जीवावस्था की इकाई है। जी करेक्ट, तो बिच्छू के साथ मेरी भागीदारी क्या, हम देख सकते हैं, और उठाना है तो हाथ से क्यों उठाएंगे, माजे लकड़ी से उठा लेंगे अगर इतनी बात है तो। जी करेक्ट, ठीक है भैया, इसी में विजडम आएगी भैया। जी, तो जब हमको व्यवस्था, प्रकृति की व्यवस्था समझ में आती है तो प्रकृति की हर इकाई के साथ मेरी भागीदारी क्या, ये भी समझ में आता है। फिर जो जी अधिमूल्यन कर लेते हैं किसी अवसर पे, अवमूल्यन कर लेते हैं किसी अवसर पे, है ना, ऐसा भी नहीं है कि अगर एक शेर एक हिरण को मार के खाने जा रहा है तो हमारे प्रति, हमारे अंदर शेर के प्रति विरोध का भाव आ जाएगा, ठीक है ना, और हम शेर को ही मार डालेंगे, नहीं, प्रकृति की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है वन में, जंगल में, और इसलिए रखता है। अगर सभी शेरों को हम शिकार करने से रोक दें, शेरों को मार डालें, भाई जब एक शेर को आप मार सकते हैं हिरण का शिकार करते समय, तो बाकी सारे शेरों को मार डालें हम, क्योंकि तो हिरण का शिकार करेंगे नहीं, हमारे सामने करें या पीछे करें। अब अगर हमने सारे शेरों को मार दिया था कि किसी हिरण का शिकार ना हो, तो आप पाएंगे 10 साल में जंगल समाप्त हो जाएगा, जी फिर भैया, शेर भी नहीं रहा, हिरण भी नहीं रहा, है ना, और कोई पशु पक्षी भी नहीं रहा, पेड़ पौधे भी नहीं रहे। जी करेक्ट भैया, इसका एग्जांपल मैंने लिया था कि जो हिरन है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो भागते हैं क्रूएल्टी से अपनी जान के लिए, क्योंकि उनके लिए जान प्यार विल टू लिव है उनमें, मतलब जो हर एक में है, इवन आई मीन हर एक में मीन्स एनिमल ऑर्डर एंड ह्यूमन ऑर्डर में है, तो जी वो विल टू लिव है टू। बिल्कुल, हिरण में भी है, शेर में भी है, हाँ जी शेर को करेक्ट, खाने जा रहा है, विल टू लिव को पूरा करने के लिए खाने जा रहा है, जी जी करेक्ट, हिरण भी जो बचा रहा है विल टू लिव को पूरा करने के लिए। और अगर शेर हिरण को मार के खा लेता है तो उससे कोई जंगल में अव्यवस्था नहीं उत्पन्न होती, बल्कि व्यवस्था बनी रहती है। जी बट हम समाज में जहाँ जी रहे हैं, हम किसी को मार डाले काट डाले, उससे कोई व्यवस्था नहीं बनती, इससे हमारा स्वभाव तो बिल्कुल अलग है पशु जी पक्षियों से। करेक्ट, इस बात को नहीं समझा गया कई बार। अगर हम प्रचलित विज्ञान को देखें तो हमने कह दिया मैन इज सोशल एनिमल, ठीक है कि भाई है, तो हम बेसिकली पशु ही समाज में रहते हैं, जी
हिंदी में और कह दिया सामाजिक प्राणी है, मतलब हमने पशु पक्षी भी नहीं कहा, प्राणावस्था की इकाई कह दिया, शरीर ही मान लिया। अब ये सबसे बहुत सारी विसंगतियां हो गई। तो अभी हम मानते हैं, अगर आप देखें तो जो रेशियल वॉर हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उसमें कई बार ये माना गया है कि भाई एक रेस को सरवाइव करने के लिए दूसरे रेस को मिटना होगा जी, है ना, क्योंकि हम तो अल्टीमेटली रह रहे हैं जंगल में ही, तो मानव ने अपने को भी पशु मान लिया, इसलिए जीव चेतना में जी रहा है, क्रूरता कर रहा है, हीनता कर रहा है, दीनता पूर्वक जी रहा है जी जी कि नहीं। जी भैया, थैंक यू भैया, सभी को नमस्ते। वो बचा रहे, अभी जो आप दीदी को समझा रहे थे, जैसे आपने एग्जांपल दिया एक किसी एक श्रेष्ठ पुरुष के बारे में, शस्त्र उठाया, झूठ बोला, तो मेरा ये कहना है कि जब हम लोग पूरी बात को समझ लेंगे, ऐसी जब कभी स्थिति आएगी तो कुछ भी जो है उसको हम अपनी जिम्मेदारी पे उसको तो समझ सकते हैं, जो मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए भैया, ये जो हमारा वर्कशॉप है इसमें समीक्षा वाला पार्ट बहुत ही कम है, जो समझने वाला पार्ट ही अधिक है, लेकिन फिर भी जो चीज हमें समझ में नहीं आता है तो जिज्ञासा तो बनी रहती है। तो मेरा प्रश्न यही है कि यदि हम लोग पूरी बात समझ लेंगे तो वो सब भी कुछ कुछ चीज जो हमारे मन है उसको हम लोग अपने आप समझ लेंगे ना, ये पूछना चाह रहे हैं जी। तो अगर हम अपने आप में ज्ञान को सुनिश्चित कर पाए, समाधान को सुनिश्चित कर पाए, तो किन्हीं ने परंपरा में कुछ किया भी तो क्यों किया उसको भी समझ पाएंगे। अदरवाइज हम तो नासमझी में जिएंगे और अपनी नासमझी को उधर इंगित करके हम जस्टिफाई करते रहेंगे कि मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ, वहां भी तो झूठ बोला गया है, मैंने थोड़ी क्रूरता की है, वहां भी तो किया गया है, है ना, और ऐसे कहकर हम अपने आप को जस्टिफाई करते रहेंगे जी। और नहीं भैया, जैसे एक छोटा सा उदाहरण, ऐसे हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी जैसे मेरे में मन में बहुत कंफ्यूजन रहता है, जो हम लोग गांधी जी के श्रेष्ठता को बहुत मानते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं मानती हूँ, लेकिन उनका पुत्र का जो उनके साथ प्रसंग है तो उस पर बहुत मेरी जिज्ञासा रहती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था, तो फिर एक बार चर्चा हुई थी, संस्थान गए थे सर से, तो फिर उसको वो कर पाए। तो ऐसे ही करके, अब जैसे कोई गौतम बुद्ध के बारे में बोलता, उन्होंने त्याग नहीं किया, त्याग कर दिया, बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें हम वहां पर अटके हुए रहते हैं। तो जब ही हम अभी आप दीदी को काफी विस्तार से समझा रहे थे, जब ही मैंने ये चीज पूछ लिया। जी जी, तो ये सारे प्रश्न देखिए, हम जब रेफर भी कर रहे होते हैं, सारे प्रश्न हमारे अंदर बने रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर श्रेष्ठता के प्रति शंका भी बनी रहती है। जी जी, तो ऐसा क्यों किया, ठीक, अब हमने वो तो समझा नहीं, हाँ। छोड़ा वो तो ज्ञान के पहले, छोड़ा ज्ञान के बाद तो नहीं छोड़ा, ठीक, बट ज्ञान के बाद उन्होंने क्या किया उसको हम ठीक से समीक्षित करें, मूल्यांकित करें। और मैं इसको भी कहूंगा ओपन रखें कि श्रेष्ठता की पूर्णता थी कि नहीं, इसको भी ओपन रखें। जब तक हम स्वयं में श्रेष्ठता की पूर्णता को नहीं देख पाते, तब तक हम दूसरे का मूल्यांकन कैसे करेंगे। जी जी, ज्यादा अच्छा है कि हम स्वयं में देखें। जी वही बात, आप उस दिन भी ध्यान दिलाए थे, जो हमारा जो एक तो हमारा अभ्यास है बाहर देखने का, या ठीक है जानने, जिज्ञासा तो है ही, मनुष्य का एक आवश्यकता है ही, तो उस हिसाब से भी। और दूसरी बात जो मतलब आप जो बताए थे, जो हमारा जो अपना मुख्य मुद्दा है उससे भी हम थोड़ा बाहर ही भटकते रहते हैं, ये भी एक बात हो जाती है। फिर जब कुछ समझ में नहीं आता है तो अपने आप को ये मान के समझा लेते हैं, चलो उनकी जितनी श्रेष्ठता है जितने लेवल पर उतना का उनका ये करना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता होना चाहिए। तो वो ठीक है, बट अपने आप में देखेंगे तभी हम श्रेष्ठता का भी आकलन कर पाएंगे, नहीं तो विशेष हो जाएंगे हमारे लिए, कुछ ये कुछ विशेष लोग हैं, यही लोग ऐसा हो पाते हैं। हाँ, जी, और बहुत सारे अपने कहानियों में बहुत सारी विशेषता भी बना देते हैं उनके लिए, ये तो कुछ विशेष थे। तो जैसे ही हमने किसी को विशेष माना, उनके जैसा होने का प्रयास रुक गया हमारा जी, है ना, और फिर हमको विशेष बनाकर फिर हम धीरे धीरे क्या होता है कि परंपरा में कुछ कर्म कांडों में चले जाते हैं जी। तो अभी हम देखे तो श्रेष्ठ व्यक्तियों को स्वीकारे हुए हम बहुत सारा कर्म कांड करते रहते हैं, बट उनके जैसा होने का जो प्रयास होना है वो रुक जाता है। हम तो कहते हैं भाई ये तो विशेष व्यक्ति है, तो हमने कमरे में या घर के किसी कोने में उनको प्लेस कर दिया और हमारा जीना अपने धर्रे पे हो रहा है। जी 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 भैया, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए मजे की बात, आप देखिए कि समाज में अगर आप अपराधियों को भी देखें तो किसी न किसी को अपना इष्ट मानते हैं, बेटी मानते हैं, है ना, और अपराध कर रहे होते हैं। जी जी जी, बिल्कुल। रावण को भी देखिए तो वो भी किन्हीं को इष्ट मानता था और डेली इस तरह कर्म कांड करता भी था, अपराध भी कर रहा था। तो ये कहानियां कई बार हमारे लिए सही ढंग से मार्गदर्शन नहीं कर पाती। ज्यादा अच्छा है
कि हम अपने आप में देखें जी, ये बाहर जब भी देखने का अभ्यास बनता है ये परतंत्रता है। जी 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 बिल्कुल ठीक बात है भैया। जी भैया धन्यवाद। नमस्ते। पर प्रश्न तो यही है कि हम लोग जो जीवन में निर्वाह कर रहे हैं उस निर्वाह में जो सही समझ है जैसे काम कर रही है, तो उस समझ को हमने अवेयर करना सीखा यूएसजी में। पर ये एक जब सूफी मूवमेंट और भक्ति मूवमेंट आया तो उसमें ये चीजें लोग भूल रहे थे। तो मेरा जो अगर मेरी यहाँ तक समझ बन पा रही है कि हमने यूएचवी में जो मैंने समझा दूसरे के मैं के साथ निर्वाह करना और जीवन यापन करना हैप्पीनेस और हार्मनी से, सर सारे जितने भी शायद ग्रंथ होंगे सब में यही एक मैसेज सोसाइटी को दिया गया। तो मेरा तो यूएचवी के लिए बहुत ज्यादा एक कहते हैं कि उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया, क्योंकि जो मैसेज हम लोग भूलते जा रहे थे उस मैसेज को हमने याद करा, तो वो निर्वाह जो हम कर पाए सेल्फ का सेल्फ के साथ। तो इसमें तो कहीं पर भी ये उदारता वीरता और जो तीसरा शब्द क्या सर, उदारता वीरता और धीरता वीरता हाँ धीरता वीरता और उदारता, तो ये सारे मैसेज तो जितने भी मूवमेंट रहे उसमें ये मैसेज था ही। पर हम लोगों को ये मैसेज हम लोग जो एक सेल्फ है वो भूल रहा है, तो सोसाइटी में इसीलिए वो जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। तो यूएचवी का जो एक योगदान रहा तो मेरे को तो उससे बड़ा कोई ऐसा ग्रंथ लग नहीं रहा कि कोई हो पाएगा कि जो ऐसी समझ को दोबारा एक सोसाइटी में जो भूल रहा है कि मैंने ऐसा भी नहीं कह रहे कि अब ये भी एक विशेषता हो जाएगी है ना, लेकिन अल्टीमेटली स्वयं में देखिए जी। हाँ स्वयं में तो सर, स्वयं में तो हम लोग समझ पा रहे हैं, स्वयं में समझ पा रहे हैं तभी तो हम दूसरे के साथ निर्वाह कर पा रहे हैं। अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो वही हम लोग डोमिनेशन में आ जाते हैं कि ये मेरा है ये मेरा है ये मैं हूँ। तो मैं में ये समझ जो उजागर हुई है तो वो तो एक इसी को ही श्रेय जाता है कि यूएचवी ने हम लोगों का, हमने ग्रंथों में बहुत सुना सर, गुरु ग्रंथ साहब में भी गुरु नानक के पीछ जो रहे वो मेन ह्यूमैनिटी को सर्व करना था, तो ह्यूमैनिटी को सर्व जो उन्होंने सोसाइटी में करा, पर हर उन्होंने एक पर्सन के लिए नहीं हर पर्सन के लिए कहा, तो वो हर पर्सन सेल्फ अपना सोसाइटी में कितना भागीदारी दे पा रहा है तो वो हम भूल रहे हैं जी। जी तो वो जो निर्वाह है हम लोग उसके आधार में ज्ञान है, तो हम ये जो सेवा भी करेंगे अगर ज्ञान के अभाव में करेंगे तो जाकर उसमें फंस जाएंगे फिर, क्योंकि अगर हम किसी की सेवा कर रहे हैं और वो हमारी आशा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा तो फिर विरोध का भाव आ जाएगा। तो हाँ ज्ञान का अभाव रखेंगे हमारी भागीदारी ठीक बनी रहेगी, सम्यक बनी रहेगी, उसमें उभय तृप्ति की संभावना रहेगी, अन्यथा फिर कहीं ना कहीं हम उसको है ना कुछ अपनी मान्यताओं से जोड़ लेते हैं, भटक जाते हैं उसमें। जी 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 तो अल्टीमेटली मुद्दा ज्ञान का है, ये अपने आप में को दिखे कि मेरा सुख मेरे ज्ञान से है और यही श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता कोई अलग से विशेष गुण नहीं है, यही श्रेष्ठता है, ज्ञान ही श्रेष्ठता है। मुझे मानव तो क्या है दिखाई दे, अस्तित्व क्या है दिखाई दे, मानव के साथ जो व्यवहार और निर्वाह करना, निर्वाह करना नहीं, मानव को मानव के रूप में समझ पाऊं, अस्तित्व को अस्तित्व के रूप में समझ पाऊं, अस्तित्व मानव की भागीदारी को समझ पाऊं, यही ज्ञान है। ये होगा तब हम जाके श्रेष्ठ श्रेष्ठता को स्वयं में सुनिश्चित कर पाते हैं और श्रेष्ठ आचरण के साथ जी पाते हैं, और फिर परंपरा में जो श्रेष्ठता के प्रयास हुए उन सबका हम सही मूल्यांकन भी कर पाते हैं। जी भैया नमस्ते सभी को। भैया बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है, मैं सिर्फ एक मिनट ये डिस्कस करना चाहूंगा कि भैया जो ह्यूमन बीइंग दिखा है लास्ट लाइन में फोर्थ ऑर्डर में, उसका ज्ञान पाना, ज्ञान जो है फोर्थ ऑर्डर दिया है, लेकिन भैया ये जो सारा अभी डिस्कशन चल रहा है आधे घंटे से या 20 मिनट हो गए,
ये सब हम अल्टीमेटली तो एजुकेशन और संस्कार बेस्ड ही है ना, शिक्षा और संस्कार ज्ञान जो मिलाना है वो विदाउट शिक्षा और संस्कार तो मिल ही नहीं सकता। ज्ञान की जो प्रक्रिया उसी को तो शिक्षा कह रहे हैं। जी 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 भैया, लेकिन वो मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ, वो जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं वो संस्कार बेस्ड है ना, ये जो भी दीदी ने डिस्कस किया अभी तक सभी, तो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ द संस्कार ना। बेस में संस्कार नहीं है जी, जब हमारे अंदर ज्ञान सुनिश्चित होता है तो हमारा जो आचरण होता है वो हमारा संस्कार के रूप में दिखाई देता है। अच्छा, मतलब जो खुद में डेवलप हो गया उसको संस्कार बोलेंगे। जीना, हमारा जीना। जी जी, का मतलब समझना, संस्कार का मतलब जीना। हाँ हाँ, लेकिन हम ये भी तो बोलते ना कि हमारे ऊपर कैसे संस्कार हो रहे। हाँ, तो अभी तो गलत संस्कार है, तो संस्कार कहीं बैठा हुआ है आपके चित्त में, इसलिए जीना गड़बड़ है। ज्ञान होता है ब्लॉक D1 में, है ना, वो जागृत हुआ तो ब्लॉक B2 में क्रियाओं में निश्चितता हुई, तो जो हमारे गलत संस्कार थे उनकी उनका मूल्यांकन हुआ, वो रिप्लेस हुए सही संस्कार से, वैसे ही हमारा भाव विचार आचरण बना। या ये जो डिस्कशन चल रहा है, किसी को फॉलो करे कि नहीं करे, मतलब ये हमारे लिए ही करना है ना, मतलब अपने आप को डेवलप करने के लिए फॉलो कुछ भी नहीं करना है। हाँ हाँ, वही, वो तो मैं समझ गया, बिल्कुल करेक्ट है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट है। अनुकरण करना तो ऐसा नहीं है, आपको जांचना है इसको, इसको प्रस्ताव के रूप में ले। हाँ हाँ, तो जैसे मतलब परंपरा में कई बार हम भटके वैसे फिर भटक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आखिरी वाला मैं पॉइंट रखता हूँ कि हमको मतलब अच्छे संस्कार के लिए भी जाना है। बिल्कुल, भी मतलब क्या ही, अच्छे संस्कार के लिए भी क्यों, अच्छे संस्कार के लिए ही। अच्छा, अच्छे संस्कार के लिए ही जाना है। बढ़िया 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 भैया, बहुत 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 मस्त डिस्कशन चल रहा जी, धन्यवाद भैया। तो इसी को अगर हम अब एक एक अवस्था के रूप में देखते हुए आगे चले तो दिखता है कि संस्कृति के आधार पर ही अगर हम पदार्थ अवस्था में देखें तो क्रियाशीलता बनी हुई है, पदार्थ अवस्था में क्रियाशीलता बनी हुई है, तो ये संस्कृति का ही प्रकटन है। तो संस्कृति के आधार पर ही एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, निश्चित स्वभाव बना हुआ है ना, और एक निश्चित प्रकार से क्रियाशीलता बनी हुई है। तो समवर्जेंस के रूप में दिखाई देता है कि जो इकाइयों का आपस में रचना विरचना हो रहा है पदार्थ अवस्था में, उसमें एक निश्चितता बनी हुई है। जो स्वभाव है, जो धर्म है इनका, वो अस्तित्व के रूप में दिखाई देता है। जो स्वभाव है वो संगठन विघटन के रूप में दिखाई देता है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये दिखता है कि ये अस्तित्व का ही प्रकटन है, अस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है। ऐसे ही हम प्राणावस्था में देखें, दिखता है कि उसमें क्रियाशीलता तो है ही, साथ में स्पंदनशीलता भी है। तो क्रियाशीलता के साथ स्वयं एक निश्चित व्यवस्था बनी हुई है, बड़ी व्यवस्था में निश्चित भागीदारी बनी हुई है, इस तरह समग्र व्यवस्था में भागीदारी बनी हुई है। स्पंदन के माध्यम से पहचाना निर्वाह करना हो रहा है, प्राण कोशाओं की पुष्टि हो रही है, संख्याओं में बढ़ोतरी हो रही है, जो सही सह अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। तो अगर हम देखें तो प्राण कोशाओं की पुष्टि हो रही है, प्राण कोशाएं मल्टीप्लाई कर रही है, प्राण कोशाएं कोशाओं का साइज बढ़ रहा है, उनकी मात्रा बढ़ रही है ना। अब इसमें किस रूप में हो रहा है ये, तो हर प्राण कोशिका में, हर प्राण कोशा में स्पंदन हो रहा है, पल्सेशन हो रहा है, संकुचन हो रहा है, प्रसारण हो रहा है। तो क्रियाशीलता तो है ही, साथ में स्पंदनशीलता भी है प्राण अवस्था में, और ये दिखता है कि अस्तित्व का ही प्रकटन है। वैसे ही अगर जीव अवस्था में देखें तो जीव अवस्था में आपको दिखाई देगा कि शरीर है और मैं है, तो शरीर में क्रियाशीलता है और स्पंदनशीलता है। मैं में देखें तो संवेदनशीलता है, सेंसिबिलिटी है। तो सेल्फ में देखें तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के प्रति संवेदनशीलता है। ये भी दिखता है कि मैं में मानना हो रहा है, तो जो भी मानना है वो वंश पे आधारित है, क्योंकि मानने की क्रिया बहुत सीमित है, बहुत ही कम है ना मानना है, और जो मानना है वो शरीर के जुड़ाव के आधार पर है। तो शरीर से जो जुड़ाव है तो शरीर इसमें हावी रहता है, अगर हम जीवों को देखें तो वहां शरीर हावी रहता है, शरीर की बनावट के आधार पर आचरण तय होता है। तो मैं में संवेदनशीलता है, तो मैं में संवेदनशीलता है शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, और वंश के आधार पर मानना पहचान निर्वाह करना हो रहा है, और ये अस्तित्व की ही अभिव्यक्ति है।
जी। मानव में देखें तो मानव के शरीर में वैसा ही क्रियाशीलता है, स्पंदनशीलता है। अगर मैं में देखें तो मैं में संज्ञानशीलता है। अब ये संज्ञानशीलता है ये संस्कृति की व्यक्ति है जी। तो मैं में संवेदनशीलता के साथ साथ संज्ञानशीलता भी है। तो जानने की आवश्यकता हमारे अंदर बनी हुई है, जानने की संभावना बनी हुई है। तो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पहचानते हैं, इतना तो करते ही है। बट हम सिंपली मान कर जीना चाहते हैं ऐसा नहीं, हम जानना चाहते हैं और हमें जानने की क्षमता है, जानने की संभावना है। इसी को संज्ञानशीलता कहा। इसी को जान पाते हैं, है ना, पूर्ण हो जाता है ज्ञान, तो संज्ञानीयता कहा। तो संज्ञानशीलता हमारे में पहले से ही है, संज्ञानीयता तक पहुंचने की जरूरत है। तो जब ये धीरता वीरता स्वभाव, धीरता वीरता उदारता के रूप में देख रहे थे, है ना, उसमें स्थापित होते हैं संज्ञानीयता के साथ, जब हमारे में ज्ञान की पूर्णता हो जाए। तो जानने मानने के आधार पर हमारे अंदर पहचान निर्वाह करना होता है। जानने के अभाव में मानने की अनिश्चितता बनी रहती है। और मानना हमारा बहुत फैला हुआ है, जितनी छोटी सी सीमा में जीवों में मानना हो रहा है शरीर सापेक्ष ढंग से। हमारे यहाँ ऐसा नहीं, मानव में देखें तो ऐसा नहीं ना? हमारा जीना मैं सापेक्ष है, अपने सुख के लिए जो कुछ भी कर रहे होते हैं, जिसको भी सुख माने होते हैं उसके लिए अपना समय तन मन धन सब लगा देते हैं, अपना जीवन पूरा लगा देते हैं। तो हमारे में संज्ञानशीलता है, लेकिन पशु में सिर्फ संवेदनशीलता है। पशु को देखें तो जैसे गाय भी है, अपने बछड़े के साथ निर्वाह कर रही है। कैसे कर रही है? इसको चाट के कर रही है। अब ये संवेदनशीलता है, चाटने से एक तरह का स्वाद उसे मिल रहा है, चाटने से एक तरह का स्पर्श बछड़े को मिल रहा है, गाय को भी जीभ पे स्पर्श मिल रहा है, उससे संबंध का निर्वाह कर रही है। एक कुत्ते का बच्चा है ना, देखिए कुत्ता उसका कैसे निर्वाह कर रहा होता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आधार पर निर्वाह कर रहे होते हैं। हम अपने बच्चे के साथ ऐसे नहीं करते, ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को जीभ से चाट कर उसके प्रति स्नेह दिखा रहे हैं, है ना, या सिर्फ सहला कर पीठ पे उससे स्नेह दिखा रहे हैं। हम उसके करियर के बारे में सोचते हैं, उसके भविष्य के बारे में सोचते हैं, उसके पूरी लाइफ के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट जो लोग बहुत सारा सुविधा संग्रह भी कर रहे हैं, उनसे पूछे क्यों कर रहे हैं, तो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। एक पशु ऐसा नहीं करेगा, मन को लगता है कि हमारे बच्चे को किसी प्रकार से कोई अभाव ना हो, इतना संग्रह कर जाओ कि बच्चा तो खाए ही, उसके बच्चे के बच्चे भी खाएं, बैठे बैठे खाएं। ये उनको नहीं दिखता कि इससे अल्टीमेटली वो गैर जिम्मेदार हो जाएंगे, इससे वो अमानवीयता के साथ जीने लगेंगे, बट कर रहे हैं। ये काम पशु नहीं करेगा, क्योंकि पशु का जो कल्पनाशीलता है वो शरीर सापेक्ष है, बहुत सीमित है। उसमें जो क्रियाओं का विकास है बहुत थोड़ा हुआ है, मुख्य रूप से चयन आस्वादन के स्तर पर हुआ है। तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आस्वादन करता है उसके आधार पर चयन करता है, उसी आधार पर निर्वाह करता है। अगर हम अपने आप में देखें तो हमारे अंदर चित्रण विश्लेषण तुलन चयन आस्वादन ये सारी क्रियाएं पहले से ही जागृत हैं, और उनको और जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, एक्टिव तो है और एक्टिव करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि चित्रण में संबंध का चित्रण हो न कि विरोध का, चित्रण में व्यवस्था का चित्रण हो न कि अव्यवस्था का, सहस्तित्व का चित्रण हो न कि संघर्ष का। तो हमारे अंदर संज्ञानशीलता है, जानने की संभावना है, जानने की क्षमता है, संज्ञानीयता तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर इस पूरे चार्ट को देखें तो एक कॉलम और जुड़ गया है, समर्जेंस का, संप्रीतता का। अभी तक हम धारणा को, स्वभाव को, क्रिया को, अनुसंगीयता का अध्ययन करते रहे, अब एक और कॉलम जुड़ गया। तो ये दिखता है कि सहस्तित्व का ही प्रकटन है। तो सहस्तित्व के ही आधार पर पदार्थावस्था में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, प्राणावस्था में क्रियाशीलता के साथ साथ स्पंदनशीलता दिखाई दे रही है, जीवावस्था में शरीर में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, स्पंदनशीलता दिखाई दे रही है, मैं में संवेदनशीलता दिखाई दे रही है, और ज्ञानावस्था में यानी मनुष्य में देखें तो शरीर में क्रियाशीलता दिखाई दे रही है, स्पंदनशीलता दिखाई दे रही है, मैं में संज्ञानशीलता दिखाई दे रही है, जिसको संज्ञानीयता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। हाँ जी भैया, नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। कि ये जो प्राण अवस्था और ज्ञान अवस्था में भी जो भी है वो सहअस्तित्व का ही प्रकटन है ना, तो फिर भी प्राण तो फिर भी प्राण अवस्था में स्पंदनशीलता में नहीं दिखाई देती, और
अजीव ज्ञान अवस्था में दिखाई देती है, ऐसा क्यों होता है? मतलब अगर वो सहअस्तित्व का ही प्रकटन है तो वो एक में नहीं है और एक में है, ऐसा क्यों होता है? वो समझ में नहीं आ रहा। इसी प्रकार तो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है। अभी सोचे हाँ है ना कि अभी जितने मानव हैं धरती पे उतने ही मानव इतने उत्पात मचाए हुए हैं कि धरती बचेगी नहीं बचेगी, इस पे प्रश्न है। अब सारे पशुओं में भी अगर मानव के ही सारे गुण आ जाएं, मानव की ही सारी क्रियाएं होने लगे तो धरती पे तो क्या होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है कि नहीं। वैसे ही पेड़ पौधों की एक निश्चित आवश्यकता है, सारे पदार्थ कण पेड़ पौधे में परिणत हो जाए तो उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होगी। तो प्रकृति में एक नियम बना हुआ है, नियंत्रण बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है ना। तो ये जो बना हुआ है नियम नियंत्रण संतुलन, ये शास्त्र के आधार पर ही बना हुआ है। तो देखिए, तो पदार्थ की उपलब्ध एक निश्चित मात्रा है, प्राणावस्था की एक निश्चित मात्रा है, जीवों की भी एक निश्चित मात्रा है ना, मानवों की भी एक निश्चित मात्रा है। इनकी जो मात्रा है, जो संख्या है, वो नियंत्रित है। उसमें भी आप देखें तो पशुओं में नर मादा की जो संख्या है वो आपस में नियंत्रित है, वो संतुलन के रूप में दिखाई देता है। मानवों में भी नर मादा की जो संख्या है वो नियंत्रित है, संतुलन के रूप में दिखाई देता है। अगर हम मानवों में देखें तो नर मादा की संख्या 1:1 के रेशियो में होती है। तो आप ये भी देखें कि घर में जो बच्चे हो रहे हैं है ना, तो कहीं भी लड़की पैदा हो रही है, कहीं पे लड़का पैदा हो रहा है। ऐसा भी नहीं था कि सब जगह लड़का ही पैदा हो जाए, ऐसा नहीं था सब जगह लड़की ही पैदा हो जाए, है ना। तो ये भी एक प्रकृति में संतुलन बना हुआ है जिससे मानव प्रजाति चल रही है ना, ज्ञानावस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। पशुओं में देखें तो कहीं आप पाएंगे कि नर ज्यादा है, कहीं मादा ज्यादा है ना, तो वहां भी एक संतुलन बना हुआ है, बट हमसे भिन्न है। तो प्रकृति में संतुलन बना हुआ है, तो सहस्तित्व पूर्वक ही पदार्थ पदार्थ के रूप में बना हुआ है, प्राणावस्था इकाइयां बनी हुई है, तो उसमें एक निश्चित प्रकार से है ना क्रियाशीलता हो रही है, स्पंदनशीलता हो रही है। जीवों के शरीर में एक निश्चित प्रकार से क्रियाशीलता हो रही है, स्पंदनशीलता हो रही है। मैं में संवेदनशीलता बनी हुई है और हम में शरीर में क्रियाशीलता संवेदनशीलता बनी हुई है, मुझ में संज्ञानशीलता बनी हुई है, आप में संज्ञानशीलता बनी हुई है, और हम सभी संज्ञानीता तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं। जी थैंक बढ़िया यू दीदी। भैया। स्पंदनशीलता अगर देखें तो पल्सेशन, पल्सेशन मतलब संकुचन प्रसारण। जैसे आप देखिए आपके हाथ में अगर आप ध्यान से देखेंगे, अपने शरीर में देखेंगे, सब जगह संकुचन प्रसारण हो रहा है, शरीर के हर कोशिका में कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन हो रहा है, यही पल्सेशन है। पेड़ पौधे की हर कोशिका में संकुचन प्रसारण हो रहा है, यही पल्सेशन है। एक प्रश्न थे चैट बॉक्स में, उसको रिस्पॉन्ड किया, यही पल्सेशन है। समर्जेंस और कोएग्जिस्टेंस एक ही बात है जी। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को नमस्ते। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था भैया कि जब हम जी स्वभाव की बात करते हैं तो जीव अवस्था में मैं में क्रूरता और अक्रूरता को दिखाते हैं हम यहाँ पर, लेकिन उसके समान जब हम ज्ञानावस्था में स्वभाव की बात करते हैं तो पहले उस स्थान को हम खाली रखते हैं और फिर शिक्षा संस्कार के द्वारा वहां पर हमने अगली पीढ़ी को दिखाया भैया। तो मैं जान इस पे थोड़ी स्पष्टता चाहता था। अच्छा, ये जो येलो पोर्शन है ना, जी ये तो समझ के अभाव में जो आचरण होता है उसके लिए है। तो जैसे हम देखें तो समझ के अभाव में एक्टिविटी में देखें तो खाली इमेजिंग एनालाइजिंग सेलेक्टिंग टेस्टिंग है, ठीक है। और जो पर्पल कलर में रखा गया है उसमें ब्लॉक B1 की एक्टिविटी है। तो बेसिकली हमारा स्वभाव तो ब्लॉक B1 में है ना, जी इसलिए जीव चेतना के स्वभाव को यहाँ नहीं रखा है, मानव चेतना के स्वभाव को रखा है, इसलिए येलो वाला पोर्शन खाली रखा है। अच्छा। लेकिन अन्य जैसे अन्य कॉलमों में तो हमने उसके लिए एक चीज दिखाई है, जैसे जीव अवस्था में जीने की आशा है लेकिन यहाँ निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा है। इसी जी प्रकार वहां पर जब क्रूरता आती है, अक्रूरता आती है, तो उसके समान स्थान पर मानव चेतना के लिए हमने उस स्थान को खाली रखा है। इस पर जी थोड़ी अपनी समझ बढ़ाने के लिए मैंने प्रश्न पूछा भैया। जी जी बिल्कुल उचित है। तो ये ज्ञान के अभाव में है जो येलो पोर्शन है, और ज्ञान के साथ पर्पल पोर्शन है। जी भैया, धन्यवाद। असाइनमेंट के रूप में हमें ये कॉलम को समझना है जो सहअस्तित्व का प्रकटन के रूप में है। बढ़िया, सभी को नमस्ते, सभी को धन्यवाद।